प्रणधर सुंदर साथ जी, आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। योग का अर्थ क्या है? हम स्वयं को उस सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परब्रह्म से जुड़े। दार्शनिक दृश्य योग की तरह तरह की व्याख्याएं की जाती है, और आज तो सबने आसन किया, योग आसन जिसको कहते हैं, बहुत होगा तो प्राणायाम करेंगे। तो आसन और प्राणायाम जो है योग के बहिरंग योग हैं, वास्तविक योग नहीं। वास्तविक योग तो होता है हमारी आत्मा स्वयं को देखे और स्वयं के प्राणेश्वर को देखे, उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म को साक्षात देखे जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सका है, जो अनंत ब्रह्मांडों का करता है, जो अनंत प्राणियों को प्रेम और आनंद के सागर में डुबोने वाला है। हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं? ये माया का जगत, ऐसा जगत जो यथार्थ में नहीं है लेकिन इसके बिना काम नहीं चल रहा है। जैसे कोई कहा जाए कि रेगिस्तान में कोई जल में डूब रहा है, रेगिस्तान में तो पानी होता ही नहीं लेकिन डूबने की बात कही जा रही है, वैसे ही यह सारा संसार स्वप्नवत है। स्वप्न का तात्पर्य क्या होता है? जब हम नींद में होते हैं तो जो जागृत में देखते थे वही आंतरिक जगत को देखने लगते हैं, जो बाह्य चक्षुओं से बाह्य जगत को देखते थे उसी तरह से हम मन की आंखों से जगत को देखने लगते हैं, तो उसको सपना कहते हैं। सपना कब होता है? जब नींद होती है। नींद किसको कहते हैं? अज्ञानता को। जगत महात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये जो जगत है मोहमयी है। मोह किसको कहते हैं? अज्ञान को। सारा संसार अज्ञान में डूबा पड़ा है, इसलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्चतो मने। अज्ञानता की रात्रि में संसार के प्राणी सभी सो रहे होते हैं और कोई सन्निमी पुरुष ही उसमें जागृत होता है, सन्निमी पुरुष ही जागरण करता है। सन्निमी पुरुष किसको कहते हैं? संयम करने का तात्पर्य है जो धारणा ध्यान समाधि करता है, जो परब्रह्म के स्वरूप में धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं और समाधि अवस्था को प्राप्त होते हैं, एकमात्र वही जागृत होते हैं। से संसार के सभी प्राणी चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी माला जप कर लें, कितने भी कर्मकांड कर लें, वो अज्ञानता की नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि वो किसको देखते हैं? अपनी आँखों से बाह्य जगत को देखते हैं, स्थूल जगत को देखते हैं। आप सोचिए, जिस हिमालय की ऊंची चोटियों को देखकर आप अचंभित होते हैं, जिस सागर के लहराते हुए जल को आप आश्चर्य में डूब जाते हैं देखकर, महाप्रलय में तो न ये सागर रहेगा न हिमालय रहेगा, हमारी पृथ्वी तो इस सृष्टि में धूल के कण के समान भी अस्तित्व नहीं रखती है, ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, अनंत सृष्टि भी महाशून्य में विलीन हो जाएगी, और उस महाशून्य से भी जो परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, अक्षर से परे जो परम धाम है, उसके बारे में कौन जानता है? किंतु यदि हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए, हमने स्वयं को शरीर से परे कर लिया, मन चित बुद्धि अहंकार के धरातल से परे कर लिया और अपनी अंतर्दृष्टि को इस महाशून्य से परे ले गए, बेहद मंडल से परे ले गए, परम धाम की तरफ किया, तो अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान, अनंत चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल, अनंत फूलों से भी अधिक कोमल प्रेम और आनंद का, माधुरिता का जो सागर है वो दिखाई पड़ेगा और उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, जिसके प्रेम आनंद और शांति की सागर रूपी लहरों के स्वरूप में हमारी आत्मा है। हम तो इस पंचभूत शरीर को ही लेकर के पैदा होते हैं, इसी को पालने पोसने में अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं, सारा संसार इसी में तो लगा हुआ है। आप किसी को फूलों का हार पहना दीजिए कितना खुश होता है, उसके ऊपर पत्थर फेंक दीजिए क्रोध में आग बबूला हो जाता है। वो बेचारा यही जानता है, शरीर की पूजा को ही सब कुछ मानता है। बूढ़ा होता है सोच कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवान होता है तो सबको कहता फिरता है देखो मैं कितना सुंदर हूँ, पुरुष का तन धारण कर लेता है कहता है कि मैं पुरुष हूँ, महिला का तन धारण करता है अपने हाव भाव बताकर कहता है कि मैं महिला हूँ,
जी जब पशु की योनि में जाता है तो सोचता है कि मैं तो पशु हूँ। उस बेचारे जीव को तो ये पता ही नहीं कि तू है क्या। योग क्या करता है, वो दिखाता है कि तू ये पंचभूत का पुतला नहीं है। वेद ने क्या कहा, अहम इंद्रो न शरीरम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। संसार में कितने लोग होंगे जिनको ये पता है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। सबको मालूम है कि हमारे शरीर में आत्मा है या जीव है जिसके कारण हमारा शरीर चल फिर रहा है, लेकिन आत्मा के स्वरूप को किसने देखा। अपने शुद्ध स्वरूप को तो कोई नहीं देखता है, सब शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं। शरीर को सजाने नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने में लगे रहते हैं, शरीर के जो रिश्ते हैं उन्हीं को अपना रिश्ता मानते हैं। कौन ये जानता है कि आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से हमारे प्रीतम है। एक कड़वी बात, योग की आवश्यकता क्यों पड़ी है। वेद ने कहा है कि वो तमसा परस्तात है। प्राणराज की वाणी का एक संदर्भ मैं देना चाहूंगा। महामती जी के स्वरों में जो अक्षरातीत की वाणी अवतरित हुई उसमें सारे संसार को उद्बोधित किया गया है। अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। संसार के लोगों, परम धाम की आत्माओं, तुम सावचेत हो जाओ। अब मैं आत्मिक दृष्टि से परम धाम की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। परम धाम की तरफ प्रस्थान करने का तात्पर्य क्या, जिसके लिए वेद ने डिंडिम घोष के साथ कहा था कि तमसा परस्तात है, वो तमस से परे है, माया के अंधकार से परे है। आपको शायद विदित नहीं होगा, आप हवाई जहाज में जब ऊंचाई पर चलते हैं, जब आपका हवाई जहाज 34,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो आप ऊपर खिड़की से देखिए क्या लगेगा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखेगा। नीचे देखेंगे तो भी पता ही नहीं चलेगा कि पृथ्वी कुछ दिख रही है, अंधेरा अंधेरा जैसा दिखेगा। कुछ नीचे आएंगे तब लगेगा कि मकान जो है दिसलाई के डिब्बों की तरह दिख रहे हैं। आप सोचिए, आप पृथ्वी की कक्षा से परे जाएं तो क्या दिखेगा, चारों तरफ घना अंधकार। ये जो धकता हुआ सूरज दिख रहा है ये तो घने अंधकार से पैदा हुआ है। हमारे सूर्य जैसे हजारों सूर्य ब्लैक होल तारे में समा जाएंगे और ब्लैक होल तारा भी गैलेक्सी में समा जाएगा, गैलेक्सी महाशून्य में विलीन हो जाएगी। इस अनंत अंधकार के परे क्या है कोई नहीं जानता। हम इस छोटी सी दुनिया में रहते हैं, हमारा पालन पोषण होता है, परिवार के सीमित दायरे से सोचने की बुद्धि हमारी नहीं होती, क्योंकि हम सवेरे उठते हैं, नहा धोकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर काम पर जाते हैं, शाम को थके मादे आते हैं, खा पी करके सो जाते हैं। हमें कौन बताएगा, हमारा शरीर पलता जा रहा है, शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, शरीर मर रहा है, फिर हमारे नए शरीर का जन्म होता जा रहा है। हम जो हैं न तो कभी जन्मे थे, न हम कभी मरने वाले हैं, न हमारा जन्म होगा, न हमें मौत सता सकती है। लेकिन ये जन्म मरण की प्रक्रिया जो शरीर की बनी हुई, क्यों, क्योंकि हमारा जीव तृष्णा के पीछे भाग रहा है। सांख्य का तात्पर्य क्या है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, यथार्थ बोध हो जाए। हम प्रकृति से जितना शब्द स्पर्श रूप रस गंध से सुख की अनुभूति करना चाह रहे हैं, इसमें शाश्वत शांति नहीं है। शाश्वत शांति कब मिलेगी, सांख्य दर्शन का एक सूत्र कहता है अहिनिवलनीयत, जैसे सर्प केचुली को छोड़ने के बाद सुखी होता है, वैसे ही हम संसार के विषयों को छोड़ दें, केवल परब्रह्म से जुड़ जाएं। आज संसार में प्राय सभी मतमतांतरों के लोगों ने आसन किए और जैसे कहा तो ये जाकर कि ना ही से तो कुछ भला। चलिए, ये संसार, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा को मानते ही नहीं थे, लेकिन अपने शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो भी योगासन तो करने लगे। आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, किस लिए, शरीर स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। कम से कम योग की तरफ तो मुड़े, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होगा, अंतर्मुखी होना, उसके पश्चात परब्रह्म के स्वरूप में धारणा, ध्यान, अंतर्दृष्टि देखना और समाधि, प्रत्यक्ष देख लेना। यह है समाधि। योग का तात्पर्य क्या है, हम उसको साक्षात देखें अंतःचक्षुओं से, जैसे हम बाह्य चक्षुओं से जगत को देखते हैं, उसी तरह से इस जगत के निर्माता की, जगत के पालक की, जगत के संहारकर्ता की, अनंत प्राणियों के प्रीतम उस परमात्मा को साक्षात देखना ही योग का लक्ष्य है। किसी न किसी रूप में आज संसार योग की तरफ मुड़ रहा है, ये खुशी की बात है। लेकिन संसार जो अज्ञानता से पैदा हुआ है, हर प्राणी शरीर के ही तो बंधन में है,
शरीर से परे जाने की कौन सोच रहा होता है। हम आसन भी यदि कर रहे हैं कि हमारा शरीर सुंदर दिखे, सुडोल बना रहे, तो किसी भी स्वार्थ के कारण भी आसन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि और लोग करें, लेकिन योग के चरम लक्ष्य को समझें कि योग का चरम लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार है, जो ध्यान और समाधि के द्वारा प्राप्त होता है। हम केवल आसन कर लें, प्राणायाम कर लें और कहेंगे कि हम योग को तो हमने योगा बना दिया। योगा कोई शब्द नहीं है, योग है। अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करते करते हम इतने राह से भटक गए हैं कि हम सोचते नहीं कि इसका अर्थ क्या होगा। हम कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, कृष्णा का अर्थ द्रौपदी होता है। राम को रामा कहते हैं, रामा का अर्थ तो लक्ष्मी होता है। हम तो उल्टा ही अर्थ सारा कर दे रहे हैं अंग्रेजी बोलने के चक्कर में। कम से कम शुद्ध उच्चारण करें। मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि योग को योगा ना कहें, योगा कोई शब्द नहीं होता है। अब जिस योग के द्वारा आज संसार में एक जागृति की बात कही जा रही है और भारत सिस्ट के प्रारंभ से विश्व को पथ प्रदर्शक रहा है। भारत के गांव-गांव में आपको मंदिर मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगी, गिरजाघर गुरुद्वारे मिल जाएंगे, सभी मतपंथों के अपने अपने धार्मिक स्थान मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि किसी मंदिर में जाने से परमात्मा का साक्षात्कार होगा। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मक्का में जाने से अल्लाह का दीदार होगा। किसी भी ग्रंथ में किसी स्थान विशेष के लिए कोई महत्व नहीं है। एक कड़वा सच है और ये सबको मेरी बात कड़वी लग रही होगी, ये स्थान मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे तो इसलिए बनाए गए हैं कि जनसमूह को वहाँ एकत्रित किया जाए, सबको परम धाम पर ब्रह्म का ज्ञान दिया जाए और ध्यान की प्रक्रिया सिखाई जाए ताकि लोग परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करें। एक सूफी फकीर साईं बुल्ले शाह ने कहा है कि गंगा गए गल मुक्ति नहीं जो सौ सौ डुबकी लगाइए, मक्का गए गल मुक्ति नहीं जो सौ सौ जुमे पढ़ाइए। एक बार नहीं, सौ बार मक्का में जाकर नमाज पढ़ ले तो भी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें मुक्ति मिल गई है, हमें परमात्मा मिल गया है। यदि जाने मात्र से, मक्का जाने मात्र से अल्लाह ताला मिल जाए तो वहाँ के रहने वालों को तो सबसे पहले मिलना चाहिए। पौराणिक हिंदू चार धामों की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ की और दक्षिण में रामेश्वरम की, पूर्व में ये उड़ीसा में जो स्थान है गोवर्धन धाम की, पश्चिम में द्वारिका की, तो सोचते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए। वो तो स्थान विशेष हैं जिनको मनुष्यों ने बनाया है। वेद में, उपनिषद में, दर्शन में कहाँ लिखा है परमात्मा का दर्शन होगा? गुहाम पृष्ठो आत्मनो ही तद दर्शनात्, वेदांत कहता है परम गुहा में ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। बिना तत्पश्चात परमम गुहा में तत्र विश्वम भवत एक निडम। आप सोने की ईंटों से कोई मंदिर बना लीजिए, किस मंदिर में किसको पधराएंगे? किसी महापुरुष विशेष की मूर्ति बनाएंगे आप? आपकी आस्था हो सकती है, आप शिष्ट के कर्तव्य नारायण की मूर्ति बना सकते हैं, किसी की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन जो वेद कह रहा है कि सहस्त्र बाहु पुरुषा सहस्त्र अक्षय सहस्त्रपाद सभूमि सर्वतो स्पृत्वातिष्ठ दशांगुलम, इस ब्रह्मांड से भी परे है। जो वेद कह रहा है कि त्रिपाद ऊर्ध उदयत पुरुष इस चतुष्पाद विभूति से भी परे है, उस परमात्मा को हम मंदिरों में नहीं खोज पाएंगे। इसके लिए योग का सहारा लिया जाता है। योग में आपकी अंतर्दृष्टि को शरीर से परे किया जाता है। पहले शोधन किया जाता है, शरीर के शोधन के लिए आसन है, मन के शोधन के लिए, बुद्धि के शोधन के लिए प्राणायाम है, यम नियम अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आपको इस योग्य बनाया जाता है कि अब आप धारणा ध्यान के पथ पर चलने के लिए योग्य हो गए। उसके पश्चात आपको अंतर्मुखी होना होता है। अंतर्मुखी होने के लिए आपको सात्विक आहार विहार का सहारा लेना पड़ता है। मन शांत होगा तभी तो अंतर्मुखी होगा, नहीं तो आंखें बंद करके आप किसी का अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं तो ये कौन सी साधना होगी? आप गुफा में बैठे हैं, आंखें बंद किए हैं, आसन जमाए हैं और मन में सोच रहा है कि मैं उसका नाश कर दूं, मैं उसका नाश कर दूं, आपको सिद्धि मिल गई, आप सबको धमकाते फिरते हैं, आप कौन सी उपलब्धि करना चाह रहे हैं? परमात्मा का साक्षात्कार किसको होगा? जिसने स्वयं को मिटा दिया है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। आपको सिद्धि मिल गई, आप आकाश में उड़ने लगे, आपको मुर्दों का जिंदा करने लगे, आप सबको धमकाने लगे कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप से नष्ट कर दूंगा।
ये तो आपके अहंकार का प्रदर्शन हो गया। आप तो जिस परम तत्व को खोजने चले थे, अपनी आत्मा को देखने चले थे, परमात्मा को देखने चले थे, उससे तो करोड़ों कोस दूर हो गए, क्योंकि आपने साधना की, हठ योग की साधना की, मन को सन्निमित किया किसी लक्ष्य पर, आपको सिद्धियां मिल गई, आप अदृश्य होने लगे, आकाश में उड़ने लगे, जल पर चलने लगे, चमत्कार दिखाने लगे, भक्तों की भीड़ इकट्ठी करने लगे, संसार जय जयकार करने लगा। आप इसी में खुश हो गए। आपने तो एक बहुत बड़ी माया इकट्ठी कर ली। आपने लोहे की सांकल को तोड़ा और रेशम की रस्सी से अपने को बंधवा डाला। याद रखिए, एक छोटा सा बीज होता है, जब जमीन के ऊपर पड़ा होता है तो धूप से वो सूख जाता है, किंतु मिट्टी में जब मिल जाता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, तो एक नया अंकुर फूटता है और उस पौधे से, उस बीज जैसे कई बीज पैदा हो जाते हैं। उसी तरह से अध्यात्म कहता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। प्रणिधान का अर्थ क्या होता है? स्वयं को सर्वस्व, स्वयं को समर्पित कर देना, अपना सर्वस्व परब्रह्म के चरणों में समर्पित कर देना। मैं कुछ नहीं हूँ, केवल तू है, तू मेरा प्राणेश्वर है, तू मेरा प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है, प्राणनाथ है। न मेरे पास व्यक्तिगत ज्ञान है, न शक्ति है, न ऐश्वर्य है, जो कुछ तेरा है, मेरा तन, मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ तेरा ही है। जब ये भाव आ जाए, आपने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, तब आप समाधि के अधिकारी हो सकते हैं। इसके पहले आपको साक्षात्कार नहीं मिलने वाला है। आप हिमालय की गुफा में 10-10 घंटे की समाधि लगाते हैं, आप 10 दिन की समाधि लगा लीजिए, 6 दिन बैठे रहिए जड़ समाधि में। मैं कहता हूँ आप 6 महीना बैठे रहिए, 6 वर्ष बैठे रहिए, अहं नहीं मिटेगा, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप अपने अहं को मिटा दीजिए, अपनी साधना के भी अहं को मिटा दीजिए, उससे अटूट प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम पहली की पहली शर्त है अपने अहं का विनाश। सर्वस्व समर्पण, बिना सर्वस्व समर्पण के, अहं के विसर्जन के, यदि कोई सोचता है कि मैं हिमालय की गुफा में बैठकर साक्षात सीधे परमात्मा को पालूंगा, तो दीवा स्वप्न का शिकार है। प्राणनाथ जी की वाणी सारे संसार के लिए है और सबको यही उद्बोधित कर रही है, जिसके लिए आज से लाखों वर्ष पहले कभी ऋषियों ने पुकारा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विवरानी बोधयत, उठो जगो परम तत्व को प्राप्त करो। वाणी भी यही कह रही है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, चित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ क्यों कहा जा रहा है? चलो चलो का तात्पर्य क्या है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी असंभव बात यदि संभव हो जाए, जैसे किसी स्थान पर मोतियों की वर्षा हो जाए, तो क्या कहेंगे? जो आपका नजदीकी होगा उसे कहेंगे, चलो चलो वहाँ मोतियों की वर्षा हो रही है, कुछ मोती लूट लें। तो यह सोचिए, सारी पृथ्वी को हीरे मोतियों से भर दिया जाए और आपको उसका मालिक बना दिया जाए, तो भी उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना आनंद एक पल के लिए अपने प्राणेश्वर के दर्शन में होता है। क्योंकि संसार को नहीं मालूम है, हीरे का एक टुकड़ा 1 करोड़ का मिल जाए तो मनुष्य सोचता है मैं बहुत बड़ी उपलब्धि कर लिया। अरे भाई है क्या, कंकड़ पत्थर ही तो है, कोयला ही तो दब करके जल करके दबाव से हीरा बन गया है, सोना हो चाहे कोई भी धातु, पृथ्वी तत्व ही तो है, मिट्टी ही तो है। हीरा कितने दिन आपके साथ रहेगा? मौत आएगी, आपके शरीर से जीव को निकाल कर लेकर चली जाएगी। इस पृथ्वी जैसी हजारों पृथ्वियों के हीरे मोती का स्वामी बन जाए तो भी आपको क्या मिलने वाला है? सब तो कुछ नहीं रह जाएगा। किंतु यदि आपने इधर से आसक्ति तोड़ ली, कुछ पलों के लिए शरीर को शांत कर लिया, मन को समाहित कर लिया, अपने अहं का विसर्जन कर लिया, तो आपकी आत्मा हद बेहद से परे होकर इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर, काल माया के ब्रह्मांड में वो महाशून्य भी आता है जिसमें हमारी गैलेक्सी जैसी असंख्यों गैलेक्सियां विलीन हो जाती है। शून्य थे जैसे जल बतासा, सो शून्य माज समाई, पानी का बुलबुला। आप देखिए समुद्र के किनारे चले जाइए, बहुत बड़ी झील में चले जाइए, देखिए कितने बुलबुले एक साथ पैदा होते हैं और उसी में डूब जाते हैं। उसी तरह से हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां हर पल उस महाशून्य से पैदा हो रही हैं और उस महाशून्य में समा जा रही है।
कभी हमने कभी सोचने का प्रयास किया है कि जिस परमात्मा को हम मिठाई चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, अपने पैसे से खरीदने का प्रयास करते हैं कि इतना पैसा मंदिर में दे देंगे, इतना मिठाई चढ़ा देंगे, ये कर देंगे तो परमात्मा मुझे खुश हो जाएगा? नहीं, आप अपना अहं क्यों नहीं दे देते जो सबसे बड़ी बाधा है? इसको मिटा दीजिए। आपका धन आपका तो है नहीं, शरीर भी आपका नहीं है। आप कुछ कमाते हैं, थोड़ा सा एक अंश दे देते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा मेरे अधीन हो जाए। तो यदि धन से भी खरीदा जाए तो सबसे धनवानों को मिल जाता है। नहीं, परमात्मा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना अहंग देना पड़ेगा। गोपियों ने अपना सब कुछ दे दिया था। योग यही बात कहता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति किसको होगी? जिसको ईश्वर पर, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण करने की प्रवृत्ति होगी। वाणी में इस सत्य को दर्शाया है कि मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहे खुदा। ये शरीर हमने पाल रखा है, ये शरीर साधन है। आज आपने देखा होगा टीवी पर, समाचारों में, सारा संसार आज योगासन कर रहा था और सभी कह रहे हैं कि आज हमने योग कर लिया। भाई, आपने योग नहीं किया, योगासन किया। योग के इन आसनों से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगी नहीं बनने पाएगा, बस इतना लाभ होगा। उसमें भी आपने व्यायाम आसन किया है। योगासन जिसको साधन ध्यान आसन कहते हैं, आसन तो होते हैं, एक व्यायाम आसन होता है, एक ध्यान आसन होता है। व्यायाम आसन में जो कई आसन होते हैं जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है, जैसे मंडूकासन है, ये सूर्य नमस्कार है, सर्पासन है, ये सब योग के आसन है, व्यायाम आसन है। ध्यान आसन, ध्यान का आशय क्या तात्पर्य होता है? जिसमें मन विषय से रहित हो जाए, लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए। इसके लिए आप पद्मासन है, सुखासन है, सरलासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, जिसमें बिना हिले डुले आप बैठे रह सकें, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, और इस तरह से बैठें कि आपको शरीर का आभास ना हो जाए। इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, जिसको वास्तविक योग कहते हैं, आपको ध्यान आसन की सिद्धि करनी पड़ेगी। आसन सिद्धि में क्या होता है? तथा द्वंद्व न अभिघाता, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने पद्मासन पर नियंत्रण पा लिया, सुखासन पर पा लिया, सिद्धासन पर पा लिया, आप दो घंटे बैठे हैं बिना हिले डुले, आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही है। धीरे धीरे क्या होगा? जब आपका मन शांत होता जाएगा तो आपको शरीर की प्रतीति ही नहीं रहेगी कि मेरा शरीर क्या है। ये शरीर आपको परमात्मा से मिलाने का साधन है, किंतु इस शरीर का जब तक मोह बना रहता है यही बंधन हो जाता है। आप बैठे हैं ध्यान करने, आपका हाथ खुजला रहा है, पैर खुजला रहा है, तब तो आपका सारा ध्यान शरीर पर बना हुआ है। आप इस तरह से स्थिर बैठिए कि आपका मन भुला जाए या भूल जाए कि कोई शरीर भी है। अपनी अंतर्दृष्टि को खोलिए और परम धाम की तरफ ले चलिए, इस प्रकृति के अंधकार से परे चलिए, जिसके लिए वेद ने पुकार पुकार कर कहा है, आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, अनंत सूर्यों के समान जो परमात्मा है वो इस तमस से परे है। तमस से परे हमें चलना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि अमुक मंदिर में चले गए, अमुक मस्जिद में चले गए, अमुक गुरुद्वारे में चले गए, साक्षात परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, इन स्थानों पर महापुरुष मिल सकते हैं जो आपको ज्ञान के द्वारा सत्य की प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए, किंतु ज्ञान के उद्देश्य से जाना चाहिए, ज्ञान को ग्रहण करने से जाना चाहिए। यह सोच लेना कि जाकर हम मंदिर में केवल दर्शन मत्था टेक लेंगे तो आप मूर्ति को मत्था टेकेंगे। मूर्ति के अंदर परमात्मा की सत्ता है, समस्त सृष्टि में उसकी सत्ता है, किंतु आत्मा के स्वरूप में जब तक स्थित आप नहीं होंगे, अपनी आत्मा को नहीं देखेंगे, तब तक हम अपनी अंतर्दृष्टि परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? उपनिषदों में ऋषियों ने कहा, यह आत्मा अंतिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद यस आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, जिसको आत्मा जिसका बोध नहीं कर पा रही है, तो आप सोचिए जो अमृत स्वरूप परमात्मा है, उसको जड़ पदार्थों से, ईंटों पत्थरों से बने हुए मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में नहीं पाया जा सकता। इन स्थानों से केवल ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
मैं मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाइए, ज्ञानार्जन लीजिए, किंतु आपको समस्त संसार से मुख मोड़कर प्रकृति से परे होना पड़ेगा। वाणी ने क्या कहा है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागे इनकर। पृथ्वी पर जितने भी मंदिर मस्जिद हैं आखिर तो हद के अंतर्गत हैं, हमारी गैलेक्सी भी हद के अंदर है, असंख्य गैलेक्सियाँ उस महाशून्य में लीन हो जाती है, वो सब हद के अंदर ही है। इस परे से, इस संसार से परे चलिए, इसके लिए आपको ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, परब्रह्म के स्वरूप की धारणा करनी ही पड़ेगी कि कितना सुंदर, जितने सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं, जितने प्रेम की कल्पना कर सकते हैं, जितने आनंद की कल्पना कर सकते हैं, जितनी शांति की कल्पना कर सकते हैं, उससे अनंत गुना प्रेम सौंदर्य शांति आनंद अक्षरातीत के चरणों में है। लेकिन हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए, यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता है तो आज देखिए संसार कहाँ भटक रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, सारा संसार अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है, आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं। कर्मकांड में ही तो संसार उलझा हुआ है, आप पूरब बैठ करके उपासना करें या पश्चिम बैठ कर उपासना करें, आप जल चढ़ें या किसी पशु को काटें और सोचें कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, कभी नहीं। आप अपनी तृष्णाओं की बलि दीजिए, अपने अपने अहंग को मिटा दीजिए, देखिए आप एक कदम चल करेंगे, चल लेंगे प्रीतम परब्रह्म 100 कदम चल करके दौड़ करके आएगा आपके पास, और वो कहीं दूर नहीं है। वाणी को तो का तो एक ही सारे हक नजीक से रख से आड़ो पटन द्वार, हमारी प्राण की नली से भी निकट है किंतु नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम बाह्य जगत को ही देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। मैं संसार में योग करने वाले सभी बंधुओं से बहनों से आग्रह करूँगा कि योग के चरम लक्ष्य को समझें, कि योग का चरम लक्ष्य है स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार, स्वयं के प्रीतम का साक्षात्कार, जिसकी एक पलक की झलक में ऐसा लगेगा कोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन समान। करोड़ों बैकुंठ का राज्य भी हमें मिल जाए तो वो सुख नहीं मिल सकता जितना उसके एक पल के दर्शन में मिलता है। लेकिन संसार तो अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। आप देखिए मुंबई महानगर का दृश्य देखिए, लोकल ट्रेनों में बैठे हुए इन पैसेंजरों को देखिए, बेचारे पेट भरने के लिए सवेरे सवेरे लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं, जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को फिर उसी ट्रेन से आते हैं, उनके पास कहाँ ये सोचने का समय है कि परमात्मा कौन है, कैसे ध्यान करें, क्योंकि ये पापी पेट का जो सवाल है, शाम को थके मादे सो गए, सवेरे उठकर फिर काम पर निकलना है। बस पक्षी को देखिए, सवेरे बंदर को देखिए, सूरज उगा नहीं खाना पीना शुरू कर देता, बेचारा शाम तक एक डाल से दूसरे डाल पर घूमता रहता है, कुछ शांति नहीं कर पाता। संसार के प्राणियों की तृष्णा को देखिए, आज का मानव कहाँ भटक रहा है। आप विदेशी संस्कृति की तरफ देखिए, सवेरे से लेकर रात तक लोग मांस खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं, मुर्गे का, कितने प्राणियों का, करोड़ों प्राणियों को मनुष्य प्रतिदिन खा रहा है, शराब पी रहा है, किसकी खोज में, शांति की खोज में, उनको कौन बताएगा, शांति का सागर तो तुम्हारी आत्मा के हृदय में है, लेकिन मनुष्य उधर नहीं जाना चाहता। इसलिए ठीक है, देर से ही शुरुआत सही, अच्छी शुरुआत है कि आज आधुनिक कहलाने वाले लोग जो ये कहते थे कि हमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए आसन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कल को हो सकता है उनके अंदर विवेक का प्रकाश हो, आसन से प्राणायाम पर आए, प्राणायाम से धारणा ध्यान पर आए, हो सकता है परब्रह्म की कृपा हो और ध्यान से समाधि तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर तो चेतना वही है। गीता में योगेश्वर ने कितनी ऊंची बात कही है कि विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जो समय एक चेतना को देख रहा है। हम किसी को पापी देखते हैं, एक मुसलमान गाय को मारता है तो हम उसको पापी कहते हैं, एक हिंदू पत्थर को प्रणाम करता है, पत्थर की मूर्ति को, तो मुसलमान कहता है ये काफिर है, पापी है, दोज की है। संसार में हर व्यक्ति दूसरे को दोषी देख रहा है, किंतु सबके अंदर सभी प्राणियों में चेतना के रूप में तो एक ही चेतन तत्व है और उसी प्रेम आनंद और शांति के सागर की लहर मात्र है,
यदि यह बोध हो जाए हम शरीर से परे मत मतांतरों से परे सभी प्राणियों में स्थित एक परमात्मा को देखें जिसके लिए उपनिषदों के ऋषियों ने आज से लाखों वर्ष पहले उद्घोष किया था। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो भुवनम् अव्ययेश यो औषधीश वनस्पतिश तस्मै देवाय नमो नमः। सर्वभूत अधिवासा कहा गया है, सभी प्राणियों का वास स्थल है। परमात्मा के दरबार में ये नहीं पूछा जाता है तो कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन यहूदी है। वहाँ तो एक मात्र प्राणी मात्र होता है। इसी तरह से जिसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है सभी प्राणियों में एक चेतना को देखता है और योग यही सिखाता है। योग भारत की अमूल्य संपदा है। भारत कभी विश्वगुरु था। भारत में आध्यात्मिक शांति के लिए प्राचीन काल से लोग आते रहे हैं, आज भी आते हैं। मैंने देखा है कितने विदेशों से अंग्रेज युवकों को, फ्रांस के लोगों को देखा, इजराइल के लोगों को देखा है। मेरे संन्यास जीवन में कितने विदेशी मिले जो शांति के लिए भारत आते हैं। 20-20 साल के नवयुवकों को मैंने देखा है जो सब छोड़ छाड़ कर आए, हिमालय में भटके हैं, मेरी कुटिया में भी आए। किस लिए? हम शांति पाएं। उनको विदेशों में शांति नहीं मिली। पेरिस का एक लड़का मेरे पास आया था, मेरी कुटिया में कुछ घंटों ठहरा, मैंने उसको आम खिलाया, मसूरी की घटना है, कितना खुश हुआ था। मैंने पूछा था तुम्हें ये भारत कैसा लगता है, तो उसने कहा कि हम तो सब दुनिया को छोड़कर भारत आते हैं शांति के लिए, और यहाँ के लोग जब हमारे देश में आते हैं, यूरोप में आते हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम सोचते हैं कि बेचारे ये इंडियन कितने पागलपन के शिकार हो रहे हैं। हम जिस देश की चरण धूलि लेने जाते हैं शांति के लिए और मैं यहाँ हिमालय में भटक रहा हूँ कि मैं ध्यान साधना करूँ। अब सोचिए हम भारतीय कहला रहे हैं, हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम कभी भी विश्वगुरु कहलाने वाले ऋषियों की संतान हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। प्राणनाथ जी की वाणी, मत पंथ और संप्रदायों की परिधि को पार कर सारे विश्व को ये आह्वान कर रही है, संपूर्ण विश्व को आह्वान कर रही है कि संसार के लोगों तुम्हें एक सच्चिदानंद परब्रह्म की शरण में जाना पड़ेगा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभूतेन भावन, गीता के इस कथन को उद्घोष करना पड़ेगा कि सब कुछ छोड़कर उस सच्चिदानंद परब्रह्म की शरण में जाना ही पड़ेगा, ध्यान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और जिसको हम दर्शन की भाषा में समाधि कहते हैं, तारतम वाणी की भाषा में उसको चित्वनी कहते हैं। चित्वनी का तात्पर्य क्या होता है? हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए और उस अंतर्दृष्टि से अपने प्राणेश्वर प्रियतम अक्षरातीत को प्रत्यक्ष वैसे ही देखें जैसे इन आंखों से उसको देखते रहे हैं। जागने का लक्ष्य ही क्या है? हम उसको प्रत्यक्ष देखें। वो केवल घंटी घड़ियाल की वस्तु नहीं है, केवल भोग प्रसाद की वस्तु नहीं है, माला फेरने की वस्तु नहीं है, ये तो प्राथमिक कक्षा है। कब तक हम इन कक्षाओं में भटकते रहेंगे, कब तक हम कर्मकांड की दीवानों से सिर पटकते रहेंगे? अब सारे विश्व के लिए समय आ गया है कि चाहे युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई विभाजक रेखा नहीं है, चाहे कोई किशोर क्यों न हो, शांत हृदय से बैठे, शांत मन से बैठे और अपने अंतः चक्षुओं को खोलकर सीधे परम धाम की तरफ गमन करें। इसी को कहा है अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो सबे होशियार, एक खिन की विलम्ब न कीजिए जाए घरों करे करार। कितनी ऊंची बात कही है, एक क्षण की भी देर नहीं कीजिए। हमने क्या किया है? हमने तो 300 वर्ष बिता दिए। श्री जी तो कह रहे हैं कि भाई एक क्षण की देरी मत करो, जो जहाँ आए वहीं ध्यान में लग जाए। हम पूरी वाणी पढ़ लेते हैं, कई कई बार पढ़ लेते हैं, फिर भी कहते हैं चित्वन करने को कहाँ लिखा है, इससे अधिक और क्या कहा जाएगा। एक खिन की या विलम्ब न कीजिए, परम धाम चलने में एक क्षण की देरी न करो, कहने का आशय क्या है? हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम युगल स्वरूप का ध्यान न करते हों। हम सेवा पूजा करते हैं सवेरे सवेरे चौर हिलाते हुए, तो कह तो देते हैं निज दिन कहिए प्रेम से युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनन, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माँ। तो भजन क्या है? निज दिन कहिए प्रेम सो। यदि हम प्रदित राजी श्यामा जी की चित्वनी नहीं करते हैं, युगल स्वरूप की चित्वनी नहीं करते, तो भजन नहीं करते हैं।
भजन बिना सब नरक है। यदि हम चितवनी नहीं करते हैं तो हमारा सारा कार्य हमें इस संसार में ही रहने के लिए विवश कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि चितवनी केवल सुंदर सात के लिए है, ये तो सारे ब्रह्मांड के लिए है। संसार के लोगों को तो पता ही नहीं है परम धाम क्या है, हम कौन है। बेचारे कोई निराकार में ध्यान कर रहा है, विपसना वाले कितनी निष्ठा के साथ अपनी साधना प्रारंभ करते हैं, लेकिन शून्य समाधि से तो आगे नहीं जा पाते। पंचवासनाओं का मार्ग का अनुसरण करने वाले कई मत मतांतर हैं, जो बेहद में पहुंचने का प्रयास करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। हमें राज्य ने परम धाम का ज्ञान दिया है, हद बेहद से परे परम धाम का मार्ग दिखाया है, और हम संसार की नकल करके उनकी तरह षोडश उपचार पूजा में लग गए, घंटी घड़ियाल के शोर शराबे में लग गए, माला तिलक कोई सब कुछ मान लिया। जब मैं ये बातें कहता हूँ तो मेरे ऊपर तीखी आलोचना होती है कि राजू स्वामी जब देखो तब खंडन करते रहते हैं। मैं क्या करूँ, आपको राजी ने हीरे दिए और आपने उन हीरों को फेंक करके अपने हाथों में शीशा पकड़ लिया है। आपको तो चाहिए था कि सारे ब्रह्मांड को आप परम धाम का ध्यान कराते, खुद करते, सबको मुक्ति का द्वार खोलते, आपने वो तो नहीं किया। आपने देखा कि शंकर के मंदिर में खूब जोर जोर से घंटी घड़ियाल बज रहा है, हम भी बजा दें, वहाँ परिक्रमा हो रही है, हम भी कर दें, खूब चिल्लाए, खूब नाचे कूदे जो वृंदावन में होता है, आप वही करने लगे। आपने अपने चितवनी से न पुखराज को देखा, न मानिक पहाड़ को देखा, न हौज कौसर को देखा, न रंगमहल को देखा, न युगल स्वरूप को देखा। आप औरों को ये जो वैष्णव तुलसी की माला पहनते, आपने भी गले में मालाएं डाल ली बड़ी बड़ी, हाँ रुद्राक्ष की नहीं डालते हैं, तुलसी की डाल लेते हैं, है तो लकड़ी ही, लकड़ी को गले में डालने से क्या मिलेगा आपको। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही है लेकिन आप बताइए, सेवा पूजा में भी तो लिखा है कि नाम माला उर्धारो, नाम की माला अपने हृदय में क्यों नहीं रखते। वाणी की कोई चौपाई बताइए जिसमें लिखा हो कि आप तुलसी की माला पहनिए। आप बीतक का उदाहरण दे सकते हैं लेकिन ये बताइए, बीतक में तो उदयपुर से पहले कहीं नहीं लिखा है कि श्री जी ने या देवचंद जी ने तुलसी की माला पहनी थी। तो सब सुंदर साधु उसमें चितवनी करते थे, आपने चितवनी को हटा क्यों दिया। आपको माला से बहुत लगाव है, माला पहनिए, तिलक लगाइए, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन जब उस समय प्रतिदिन अष्टपहर की बीतक में वर्णन आता है, सवेरे भी चितवनी होती है 6 से 9 के समय में, शाम को भी 4:30 बजे प्रतिदिन सबको चितवनी कराई जाती है, आप चितवनी क्यों नहीं करते, आप चितवनी के विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं। आप केवल कर्मकांड ही करते रहेंगे तो आप संसार को कौन सा मार्ग दिखाएंगे। जो नास्तिक कहलाते हैं, चाइना जैसे देश के लोग योगासन करने लगे हैं, आपको तो चितवनी में निष्णात होना चाहिए था, स्तन के रहते रहते अपने प्राणेश्वर को देखना चाहिए था, और चीन जैसे नास्तिक देशों में भी सारे संसार को बताना चाहिए था कि देखो संसार के लोगों प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हैं इस संसार में, उनकी ब्रह्मवाणी आई है, उनकी ब्रह्मवाणी का रस स्वादन करो और इस संसार से परे होकर उस अक्षरातीत का दर्शन करो। वेद ने जिसको लक्ष्य बनाया लेकिन बेहद मंडल तक जाकर वेद ने मना कर दिया। वेद में स्पष्ट कह दिया गया है कि त्रिपाद उर्द उदयत पुरुषः, त्रिपाद अमृत से परे, चतुष्पाद विभूति से परे, परम धाम के साक्षात्कार के लिए हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। वेद का अनुसरण करने वाली अक्षर की पंचवासनाएं बेहद में जाकर मौन हो जाती है। चलते चलते पग थके नगर रहया नौकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको देऊं दोष। कबीर जी कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, केवल से आगे मेरी गति नहीं हो पा रही है, बहुत कर रहा हूं प्रयास तो सत्स्वरूप तक जा पा रहा हूं, जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर। कबीर जी क्या कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई संतो अगर मुझसे दूर, क्योंकि बेहद को उल्लंघन करके परम धाम में कोई जा ही नहीं सका। आज सारे संसार के लिए अवसर खुला हुआ है, आप कट्टर से कट्टर नास्तिक को भी यदि आप परम धाम की वाणी का ज्ञान देते हैं, वो वाणी का चिंतन करता है, अपने आहार को सात्विक बनाता है, आसन की सिद्धि करता है, मन को शांत करता है, परम धाम में ध्यान करता है, तो मैं दावे से करता हूँ सच्चे हृदय से वो ध्यान करेगा तो शरीर से छूटने से पहले एक बार उसको झलक अवश्य मिलेगी, भले ही वो कोरा जीव क्यों ना हो। किंतु हमने तो ब्रह्मवाणी को मंदिरों की घंटियों घड़ियालों से ही बाहर नहीं निकलने दिया, उसको छिपा कर रखा, और आज थोड़ा बाहर बिला रहे हैं तो किसी को चितवनी नहीं करने दे रहे। कम से कम आज के दिन तो जब
सारा संसार योगासन कर रहा है, सुंदर साथ को जग जाना पड़ेगा कि हमारे लिए राज जी ने क्या आशा की थी। हमको तो कहा था कि देखो 14 लोगों का ब्रह्मांड तुम्हारी कृपा से मुक्त होगा। संसार के लोग क्या कहेंगे कि अक्षरातीत आपकी आत्माएं आई थी, हमको तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, वो तो हमारी तरह ही घंटी घड़ियाल बजाते रहे, हमारी तरह ही बड़ी बड़ी मालाएं डालते रहे, माथा रंगते रहे और तो कुछ किया नहीं, किसने हमको परम धाम का मार्ग दिखाया। इसलिए 300 सालों से जो भूल चली आ रही है उसको हमें सुधारना होगा। ये मत कहिए कि राजन स्वामी हमारी खंडनी कर रहा है, मैं तो वही कह रहा हूँ जो वाणी कह रही है और वाणी में वही कथन है जो अक्षरातीत के कथन है। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिए, मेरी बातों को कोई मत माने, तारतम वाणी के कथन को मानिए जो उन्होंने कहा है कि एक खिन की विलम्ब न कीजिए, जाए घरों करे करार। जब हम परम धाम में अपनी अंतर्दृष्टि पहुँचेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। नाना पंथा विदते अनाया, इसके सिवा कोई चारा नहीं। आप परम धाम का ध्यान न करें, युगल स्वरूप का ध्यान न करें और सोचें कि मेर सागर का गोटा पढ़ लेंगे तो शांति मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। ये तो बच्चों के लिए है, 10-12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए है, 15 साल से ऊपर वालों के लिए मेर सागर का गोटा नहीं है, उनको सबके लिए ध्यान है। याद रखिए हमारे ऊपर उत्तरदायित्व तो था कि हम सारे संसार को परम धाम का दर्शन कराते, हम जब खुद नहीं कर रहे हैं दूसरों को क्या करेंगे। जब न्याय की लीला होगी सारा संसार हमें दोषी बताएगा कि हमने 300 सालों में किया क्या है। ब्रह्मवाणी को एक संप्रदाय की अमानत बना दिया, जिससे कि निजानंद संप्रदाय से बाहर का कोई व्यक्ति ये पढ़े नहीं। सूर्य सबके लिए आता है, उगता है, चंद्रमा सबके लिए उगता है, हवा सबके लिए बहती है, तो ये ब्रह्मवाणी केवल पढ़ावी समाज के लिए क्यों है? हमने इसको इतने छोटे घेरे में क्यों बंद कर दिया? हमने उन संसार के लोगों की पीड़ा का एहसास नहीं किया जो कहाँ गुफाओं में बैठे हैं, कहाँ कहाँ देखिए लोग कितने कष्ट सह करके भिन्न भिन्न पंथों में क्या क्या करते हैं, लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करवत ले, खसम को पावे नहीं तिल तिल काटे दे। संसार के लोगों ने अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करवा दिया, आरे से चिरवा दिया। संसार तरसता रह गया अक्षरातीत के ज्ञान के लिए, और अक्षरातीत का ज्ञान जिन लोगों के पास है वो संसार में फैलाए नहीं, तो इसलिए मेरे मुख से कुछ कठोर भाषा निकल जाती है कि इस आलस्य प्रमाद को राज्य कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे तो आशा लगाए बैठे हैं, हमको तो परमधाम के ब्रह्मुनि की शोभा दी गई है। और ये कहा जाता है कि मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, और हम मुक्ति क्या देंगे, हम तो खुद बंधन में हैं। हम तो सोचते हैं कि सोने का इतना कलश चढ़ा देंगे तो राज्य खुश हो जाएंगे। जिस अक्षरातीत के परम धाम के एक कण में के सामने करोड़ों सूरज छिप जाते हैं, उस अक्षरातीत को आप सोने चढ़ाकर खुश नहीं कर सकते। उनकी वाणी फैलाइए। जो सोने के कलशों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, राज्य कभी खुश नहीं होंगे। उस धन को ब्रह्म ज्ञान के फैलाने में लगाइए, संसार की सभी भाषाओं में उस ज्ञान को फैलाइए। अब देखिए बाइबल में कोई विशेष तत्व ज्ञान नहीं है, कहानियाँ ही तो हैं, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो। न्यू टेस्टामेंट में जहाँ यीशु के जीवन चरित्र है, ओल्ड टेस्टामेंट में तरह तरह के प्रसंग हैं जो बाइबल में तत्व ज्ञान है, एक कठोपनिषद अकेले मुकाबला उसका कर सकता है। कठोपनिषद के कुछ पन्नों में जो तत्व ज्ञान है पूरी इतनी मोटी बाइबल में नहीं, किंतु कठोपनिषद हिंदू समाज की धरोहर बनकर रह गया। कुछ ही भाषाओं में उसका अनुवाद होगा, भारत की अनेक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हो चुका है। कुरान के अवतरित होने के बाद भी सारा मुस्लिम जगत कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, वो कुरान की शरीयत की बातों को थोपने के लिए हिंसा का सहारा लेता है और बंदूक उठाकर कहता है कि सभी लोगों को मेरे बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप तो इसके लिए नहीं आए। वो सैकड़ों भाषाओं में अपने ग्रंथों का अनुवाद करवा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि घर में वाणी पधराओगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, राज्य भूखो रह जाएंगे। राज्य आपके भोजन के प्यासे नहीं है, राज्य को भूख प्यास नहीं लगती है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं? आप राज्य को क्या खिलाओगे? आप तो अपने हृदय का समर्पण कीजिए, उनके जान को सब में बांटिए, समझिए कि आपने राज्य को समर्पण कर दिया, राज्य को भोग लगा दिया। राज्य
कोई इंसान नहीं है जो आपके भूख भोजन के प्यासे हों, भोजन के इच्छुक हों, वो तो आपके प्रेम के भूखे हैं। अपने हृदय का प्रेम दीजिए, राज्य की वाणी को सारे संसार में गुंजित करा दीजिए, चितवनी की विधा सबको सिखा दीजिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी किसी भी पंथ का मानने वाला क्यों ना हो, यहीं बैठे बैठे सीधे परम धाम का ध्यान करेंगे। कब तक ये नटों की तरह दंड बैठक होती रहेगी, कब तक केवल आसन की सिद्धि होती रहेगी। लक्ष्य तो है हमारा परमात्मा का साक्षात्कार, और इसीलिए कहा है, साथ देखो ए अवसर वासना करो बेजान। हमारे लिए क्या है, बहुत सुंदर अवसर है। साथ देखो ए अवसर वासना करो पहचान। हमें अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। हम परमधाम की ब्रह्मात्मा हैं तो अपने प्राणेश्वर की महिमा को कितना फैला रहे हैं। संसार की कोई भी पत्नी होती है अपने पति की निंदा तो नहीं सुनती। आज हिंदू समाज देखिए किसकी पूजा कर रहा है, कोई शालिग्राम की, कोई शिवलिंग की। शालिग्राम और शिवलिंग को तो मनुष्य ही बनाता है। कहीं पेड़ों की पूजा हो रही है, कहीं नदियों की पूजा हो रही है, कहीं तालाबों की पूजा हो रही है। इस सृष्टि में जो जड़ पदार्थ है उनकी पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। जिसने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है उस अक्षर से भी परे अक्षरातीत का ध्यान उस स्वरूप पर लक्ष्य है। इसलिए वेद ने कहा कि तमेव विदित्वात् मृत्युमेत नान्या पंथा विद्यानां। उस परमात्मा को जानना पड़ेगा। और हमारे लिए क्या है, हमें अपने स्वरूप की पहचान करनी पड़ेगी। हम सारे द्वंद्वों से परे हो जाएं। अभी तक तो हमको यही कहा जाता है कि तुम गृहस्थी हो, तुमको परमधाम नहीं मिल सकता, तुम्हें ध्यान नहीं करना है, केवल 5 बार तारतम का पाठ कर लो, परिक्रमा कर लो, चरणामृत प्रसाद कर लो। आखिर ये मंत्र कब तक चलता रहेगा, 5 बार 5 चौपाई का पाठ, चरणामृत प्रसाद, ठीक है आप लीजिए, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आप यदि ब्रह्मुनि कहलाने का दावा रखते हैं तो आपका कुछ कर्तव्य होता है। आप अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाइए, प्रेम की उस शीतल सरिता का प्रवाह कीजिए जिसकी एक मुद भी संसार के लोगों को मिल जाए तो ये धन धन हो जाएंगे। वो तरस रहे हैं कि हमको कोई परम धाम का ज्ञान बताए, और हम ऐसे कुपमंडूक होकर के बैठे हैं कि हमने ब्रह्मवाणी को एक संप्रदाय विशेष की संपदा मानकर घर से बाहर निकलना ही नहीं सोचा। हमने इसको संसार में फैलाने का व्रत ही नहीं लिया। इसलिए ये वाणी कह रही है कि अब एक क्षण की भी देर करने का समय नहीं है, एक खिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। आगे कहते हैं, साथ देखो ये अवसर वासना करो पहचान। ये सुनहला अवसर है। हम थोड़ी सी वाणी पढ़ लेते हैं, भावुक होकर कहते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, राज्य ले चलेंगे परमधाम के, हम आलसी होकर के बैठ जाते हैं। नहीं, बहुत होते हैं कहते हैं कि राजी कब खेल खत्म करोगे, कब खेल खत्म करोगे। ये सारी बातें हम गले के ऊपर से कहते हैं। सच ये है कि परमधाम कोई जाना नहीं चाहता। यदि परमधाम जाने की इतनी तमन्ना है तो हमारे झगड़े क्यों हो रहे हैं, हम आपस में सिर फुटबॉल क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष घृणा का ज्वालामुखी क्यों भटक रहा है। कारण क्या है कि जिस दिन सब सुंदर साथ चितवनी में डूब जाएगा, जिस दिन ब्रह्मवाणी के ज्ञान को फैलाने का दृढ़ संकल्प ले लेगा, उस दिन संसार की हालत ही कुछ और हो जाएगी। संसार तो प्रतीक्षा कर रहा है कि हमें निराकार से परे होने का मार्ग बताए कोई, हम तो करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, एक गोयंदका जी आकर भारत में के विश्व में 400 ध्यान केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं एक व्यक्ति, और 300 वर्षों में हमारे लाखों सुंदर साथ ने मिलकर तीन भी ध्यान केंद्र स्थापित नहीं हुए। आखिर हम किस सीढ़ी पर खड़े हैं, कभी हमने सोचा है। राधा स्वामी मठ में लाखों लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, हमारे पास ध्यान करने वाले ऐसा भी नहीं होता कि 1000 लोग बैठे हो और ध्यान कर रहे हो। इससे दुखद स्थिति क्यों, कुछ नहीं हो सकती। इसलिए अपने पीड़ा के स्वर में आपको ये बात कह रहा हूं कि बहुत सो लिया, अब सोने का समय नहीं है। साथ देखो ए अवसर वासना करो पहचान, आए पहुंचे ब्रिज में याद करो निशान। हम कौन है, हम परम धाम की ब्रह्मात्मा है, परम धाम के ब्रह्मनी है। हमारी आत्मिक दृष्टि पहले ब्रज में आई, उसके पश्चात रास में आई, रास के पश्चात हम पुनः परम धाम इस
जाने के लिए तैयार बैठे हैं इस जागृत ब्रह्मांड में, और तारतम ज्ञान के प्रकाश में हमें ज्ञान दृष्टि भी जागना है और अंतर्दृष्टि भी जागना है। हम चितवनी के द्वारा स्वयं के स्वरूप को देखें, अपने प्राणेश्वर को देखें, आत्मचक्षुओं को खोलकर जागृत हो जाए। जब तक हम देखते नहीं तब तक हमारे आत्मचक्षु बंद हैं, और जिसके आत्मचक्षु बंद है वो तो अज्ञान की निशा में सो रहा है। जैसे सारा संसार सोया होता है हम भी सो रहे होते हैं, क्योंकि यदि हम चितवनी नहीं करेंगे तो हमें कोई भी जगा नहीं सकता। जब तक हम राज्य को जी भर कर नहीं देखेंगे तब तक हम जागने का दावा कैसे कर सकते हैं। इसलिए वितक में एक बात कही गई है, आप देखो औरों को दिखाओ। स्वयं को देखना है और सारे संसार के लिए एक रास्ता बता देना है कि संसार के लोगों सुनियो दुनिया आखिरी भाग पड़े तुम, जो कबो किन कानों ना सुने सो आए करो दीदार कसम। तुम्हारा प्राणेश्वर आया है जिसको तुम अपनी अपनी भाषा में अलग अलग शब्दों से संबोधित करते रहे हो। किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने सच्चिदानंद परब्रह्म कहा, किसी ने सुप्रीम तुटगात कहा, सब पुकार रहे हैं लेकिन कोई जानता नहीं था। आज यदि हम 300 वर्षों से जागरूक होते, चितवनी की विधा को फैलाते रहते, ब्रह्मवाणी के ज्ञान को केवल मंदिरों की चार दीवारी में बांधते नहीं, सबके लिए खुला रखते हैं, दृढ़ संकल्प करते, तो जैसे आज योग के आसन संसार कर रहा है, आज संसार के मुख पर परम धाम होता और सभी ध्यान में बैठकर परम धाम की अनंत सौंदर्य में, अनंत प्रेम और अनंत में आनंद में डूब गए होते। शायद हम तो सोचते हैं कि हमें कौन टोकने वाला है, कोई हमारा क्या कर लेगा, लेकिन आप ये बताइए जब आप परम धाम में उठेंगे आप राज्य को क्या जवाब देंगे कि आपने उनकी महिमा को फैलाने के लिए क्या किया है, आपने उनका दीदार करने के लिए संसार को क्या बताया, क्योंकि आप तो खुद माला का जप करते रहे, आप हजार हजार बार जप करते रहे महामंत्र का, तो क्या परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ महामंत्र का जप करने आई हैं? गोपियाँ जब किसी महामंत्र का जप नहीं करती, माला जब कृष्ण मथुरा चले गए, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को छोड़िए, कृष्ण मथुरा चले गए तो क्या गोपियों ने अपने गले में मालाएँ डाल ली या तिलक लगा लिया या महामंत्र का पुरस्करण करने लगी? वो तो प्रेम से निहारती थी कि इस मार्ग से हमारा कन्हा गया है आ जाएगा, सवेरे बैठ जाती हैं शाम तक प्रतीक्षा करती रहती है, एक आस है कि हमारा कन्हा जरूर आएगा। आपको विश्वास ही नहीं है कि राज्य आपके दिल में है? एक बार नहीं दर्जनों बार वाणी में पुकार पुकार कर कहा गया है, हक नजीक से हरक से, मैं तुम्हारे प्राण की नली से निकट हूँ, फिर आप क्यों इस परिक्रमा में आप लगे रहते हैं, कोई पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, कभी माला जप रहे हैं, कभी तिलक लगा रहे हैं। इन कर्मकांड की बातों को खंडन करना मेरा उद्देश्य नहीं, मैं तो अपनी पीड़ा बता रहा हूँ कि आपको चितवनी करनी ही पड़ेगी। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो चितवनी कीजिए, हंसते हुए कीजिए, नहीं तो रो रो कर आपको तो करना ही पड़ेगा। ब्रज से रास में जाते समय जिसने देर की, घर में बंद होना पड़ा और क्या होगा, उधर बांसुरी की आवाज़ बुला रही है, सखियों से रहा नहीं गया, उन्होंने तन छोड़ा। वैसे ही इस जागनी की वेला में यदि आप चितवनी हंसते हुए नहीं करेंगे तो रोते हुए भी करना पड़ेगा। यहाँ हंसकर छोड़ो यारो जिन करो अंदेशा कोई, क्या मतनामा में साफ कहा दिया गया है, यहाँ हंसते हुए संसार को छोड़ दो नहीं तो रोते हुए तो छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे तो मौत का जब समय आएगा तो आपको तो कोई भी बचा नहीं पाएगा, जीव शरीर को छोड़ देगा, उसमें आप क्या करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि दुख दे वतन बुलावी अपने घर नहीं है रसम, परम धाम की लीला नहीं है, परंपरा नहीं है कि आपको दुखी करके ले जाया जाए। इसलिए यदि आप परम धाम के सच्चे ब्रह्मुनि हैं तो हंसते हुए चितवनी कीजिए, संसार के लोगों को कहिए कि परमात्मा से डरने की जरूरत नहीं है, मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे प्राण नली से के भी निकट है, उससे प्रेम करो, वो प्रेम का सागर है, अनंत सागर, जितना डूबते जाओगे उतना ही उसके प्रेम के सागर में स्वयं को विलीन करते हुए पाओगे। वहाँ संसारी कामनाओं के कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। अब तो आप नारियल चढ़ाते हैं तो 100 बार कहते हैं कि राजी मेरा नारियल चढ़ाना व्यर्थ ना हो जाए, 5000 रुपये का पाठ कराते हैं तो सोचते हैं कि मेरा व्यर्थ नहीं चला जाए, आपकी लौकिक इच्छा नहीं पूरी होती है तो राजी को दोषी बनाने लगते हैं, ये कैसा प्रेम है, ये प्रेम नहीं ये तो व्यापार है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ
कि लोक परंपरा पर न चलिए, अपने प्राणेश्वर की वाणी का चिंतन कीजिए और उनकी एक ही पुकार है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। शरीर छूटने से पहले एक बार देखना ही नहीं, अवश्य देखना है, जी भर करके देखना है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। मैं आशा करूँगा कि सुंदर साथ मेरे कट शब्दों पर ध्यान न देकर इस बात को अंगीकार करेंगे कि जैसे आज के दिन सारा संसार योग के आसन कर रहा है, हम भी कटिबद्ध हो जाएं सारे संसार में चितवनी की ज्योत जलाने के लिए, हर व्यक्ति को परम धाम का ध्यान करने के लिए विवश करें प्रेम से, और वाणी का ऐसा ज्ञान फैलाएं जिसमें पत्थर पूजा समाप्त हो जाए, जड़ पूजा समाप्त हो जाए और सारा संसार अखंड योग माया के ब्रह्मांड में अखंड आनंद को प्राप्त कर सके। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता होगी। मैं आशा करूँगा कि आप मेरे इन वचनों को अंगीकार करेंगे। प्रणाम जी।